जायका विद्रजनी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फलाहार वाली रागी रोटी, जिसमें हमने कोई भी वीट नहीं डाला है, और साथ ही साथ मैं सिखाने जा रही हूँ आलू की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक भगोना लेंगे और मैंने उसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है, और पानी जैसे ही बॉयल हो उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी, और साथ ही साथ हम ये रागी का आटा ऐड कर देंगे। पर ध्यान रहे, हमें जो अपना फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद हम इसे करीब 5 मिनट के ढककर रख देंगे। 5 मिनट बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा कि हम इजीली इसके अंदर अपने हाथ रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। हम इसे अच्छी तरह से इसे मथ सकते हैं जैसे हम आटे को गूंथते हैं। इसको निकालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथेंगे, जैसा कि मैं गूंथ रही हूँ इस तरह से, और इसे रख करके करीब 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी आलू की सब्जी। तो ये फलाहार वाली आलू की सब्जी है। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसे चॉप कर लिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें 1 इंच अदरक डाला है और इसे मिक्सी जार में पीस लिया है। मिक्सी जार में पीसने के बाद अब हम देखिए कि कितना स्मूथ सा पेस्ट बना है। अब हमें क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में आप चाहे तो घी या ऑयल डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जीरा और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ी देर बाद में हम, जैसे कि ये थोड़ा बॉयल हुआ है, तो हम इसके अंदर मिर्ची ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 ग्रीन चिल्ली मैंने चॉप करके डाल दिए। यदि आप ग्रीन चिल्ली नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर सेंधा नमक डाल दिया है, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही चलता है। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह चलाऊंगी, और इसे तब तक चलाऊंगी जब तक कि जो इसका जो पूरा जो तेल है वो ऊपर ना छोड़ दे। तो तेल छोड़ने के बाद अब हम इसके बाद आप देख रहे होंगे कितना अच्छा तेल छोड़ दिया है। अब हम तेल छोड़ने के बाद हमने जो आलू लिए थे, तो मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं। तो आप इसे बारीक बारीक काट सकते हैं अपनी शेप में, या इसे थोड़ा सा मैश करके डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको मैश कर रही हूँ, थोड़ा मैशी सा जो आलू है वो अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा हाथ में लेके इसको हल्का सा मैश कर लिया है। अब उसके बाद इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। आप देख रहे होंगे किसी अतिथि चल रहा है, और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अब इसको ढक करके रख देंगे। ढकने के बाद अब हम चलते हैं रोटी की तरफ। अब रोटी में एक बार फिर दोबारा लोच देंगे ताकि रोटी की जो ये मतलब कि ये फटी रोटी ना बने। तो इसको अच्छी तरह से एक बार गूंथ लेंगे। अब मैंने इसको अलग अलग रोटी में डिवाइड कर दिया है, और इसे चकले के अंदर, हम चकले में इसको बनाएंगे। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारी रोटी बिल्कुल भी ना फटे। तो हम चकले के अंदर इस तरह से मैं घुमा रही हूँ, इस तरह से कंटिन्यूसली घुमाएंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैकल ना पड़े रोटी के अंदर। और फिर हल्का सा हम फ्लोर ले लेंगे रागी का, और इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको तो अब इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे, और जैसा कि मैं बेल रही हूँ इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से बेलते हैं। तो बेलने के बाद हमने एक तवा रख दिया है, और तवे को हम थोड़ा मीडियम आँच में रख रखा है ताकि हमारी रोटी जल्दी से नहीं बने, क्योंकि रागी का आटा सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको मंदी मंदी आँच में सेकेंगे। आप चाहें तो इसके परांठे बना सकते हैं। तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ इसकी रोटी कैसे बनती है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको बेल रही हूँ अच्छी तरह से। और अगर आपको आटा, अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा लूज़ हो गया है ये, तो आप थोड़ा आटा और ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको तवे में डाल दिया है। अब तवे में डालने के बाद हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे, और चाहे तो आप चिमटे की सहायता से या फिर आप इसे एक कपड़े की सहायता से इसको अच्छी तरह से फुला लेंगे। देखो जैसे अच्छी तरह से फूल रही है, इस तरह से फुलाएंगे। और फुलाने के बाद देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फूल गई है ये। अब हम इसको अच्छा सा घी लगा करके हम इसको सर्व करेंगे अपनी फलाहार वाली सब्जी के साथ। तो मैंने थाली लगा ली है, तो थाली में मैंने क्या किया है, अपनी जो सब्जी है वो ऐड कर दी है, और साथ ही साथ जो मैंने रोटी बनाई है वो रोटी भी ऐड कर देंगे।